तेलंगाना जर्नलिस्ट एक्टिव मूवमेंट एसोसिएशन की जानिब से आज ये मीटिंग रखी गई है। इसके अंदर एसोसिएशन के जो मसाइल हैं उसके ऊपर गौर खोज के लिए हम सब लोग जमा हुए हैं। जैसे कि और भी दूसरे जो एसोसिएशन हैं, जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उन सबको गवर्नमेंट से काफ़ी मराहत फैसिलिटीज़ बहुत कुछ उनको मिल रहे हैं, और उस हिसाब से जब उनको जब कुछ मराहत फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं तो ये एसोसिएशन को भी ये सारी चीज़ें मिलना चाहिए। जैसे कि एग्रीगेशन कार्ड है, एग्रीगेशन कार्ड कुछ जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो कि हुकूमत के करीब हैं और वो शुरू से वो आंध्र का डोमिनेशन रहा हमारे हैदराबाद के अंदर, और वही लोगों का आज भी डोमिनेशन है, उन्हीं के कुछ मखसूस लोगों को एग्रीगेशन कार्ड मिलता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो भी लोग एक्टिव हैं, जैसे एक्टिव मूवमेंट वो है, और एक्टिव मूवमेंट के अंदर जो है जो लोग एक्टिव हैं वैसे लोगों को भी जो है हुकूमत तेलंगाना के तरफ से एग्रीगेशन कार्ड मिलना चाहिए। एग्रीगेशन कार्ड जिसको मिलता है, अब ये नज़रिया ऐसा है हुकूमत का कि वही रियल जर्नलिस्ट है, वही असली जर्नलिस्ट है, दूसरे लोग असली जर्नलिस्ट नहीं है। वो सब लोग जो है क्या कि अपना कारोबारी काम कर रहे हैं, और बीच में भी पुलिस वगैरह भी काफ़ी ये आमतौर जो जिसके पास एग्रीगेशन कार्ड नहीं है वो लोगों को काफ़ी सताए, परेशान करे। फिर हर तबके के अंदर दो किस्म के लोग रहते हैं, कुछ छोटे मोटे गलतियां भी कर हो जाते हैं, गलतियां करने वाले भी रहते हैं इस फील्ड के अंदर भी, कुछ लोग वाकई ईमानदार जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट की जब बात आ रही तो मैं ये तो कहूँगा कि इस मुल्क के जो है चार सुतून हैं, चार सुतून के अंदर जम्हूरियत के अंदर एक सुतून आपके जर्नलिज्म भी है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, इससे पहले भी मैं बोला था, अमिताभ बच्चन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम दूसरा जन्म लेंगे तो क्या बनेंगे, तो फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, आज भी उसकी मोनोपोली आज 50-60 साल से उसकी चल रही है, उन्हें क्या बोला कि मैं अगर दूसरा जन्म लूँगा तो मैं जर्नलिस्ट बनूँगा। तो जर्नलिस्ट की वो अहमियत है, वो वैल्यू है, और जर्नलिस्ट में भी बहुत मैक्सिमम मैं जो देखा हूँ बहुत ईमानदार और बहुत ही अच्छे किरदार के लोग रहते हैं। उनसे जो है पूरे दफातर में लोग, हुकूमत के लोग और पूरी हुकूमत की मिशनरी उनसे डरती है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल सीधा सीधा साफ साफ रिपोर्टिंग करते हैं और हालात क्या है आवाम के सामने रखते हैं, और आवाम को उनके ज़रिए से ही मालूम होता है। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं इससे पहले भी बोला था, गोपनपल्ली में ये पूरे आपके जर्नलिस्ट मिलके जो एग्रीगेशन कार्ड वाले आपके तेलंगाना और आंध्रा के जर्नलिस्ट मिलके हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीछे मैं समझता हूँ लगभग 200 या 600 एकड़ ज़मीन मंजूर कर रहे थे जी। फिर उसके बाद हुआ ये कि हमारे कुछ लोग, यार एक मिनट रुको, जरा एक काम है, ये जो ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसको सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ठीक है, ओके बाय।